खुद को मरा हुआ साबित करने के इरादे से आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसिया पूछताछ में हिम्मत ने जो खुलासे किए हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। हिम्मत पाटीदार ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसने 26 लाख का कर्ज लिया हुआ था, जिसे चुकाने के लिए उसने बड़े ही फिल्मी अंदाज में अपने कदकाट के शख्स की हत्या कर दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आरएसएस और मर्डर प्लान, रतलाम हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, फिल्मी अंदाज में रची गई हत्या की साजिश, एमपी के बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री की खौफनाक कहानी, रतलाम कांड का आरएसएस कनेक्शन, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुए बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी हिम्मत पाटीदार को रतलाम पुलिस ने बीती रात राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के अनुसार हिम्मत ने टीवी और फिल्मों को देखकर इस तरह की हत्याकांड की पूरी साजिश रची। एमपी के इस बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करने में मशहूर पुलिस ऑफिसर रतलाम पुलिस कप्तान एसपी गौरव तिवारी ने खास भूमिका निभाई। सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस टीमों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां एक दूसरे को साझा करते हुए तीन टीमें पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान रवाना की गई थी। भागने के समस्त रेल और बस मार्ग को सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने खंगालना शुरू किया। साइबर टीम लगातार इसके परिजनों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा कि हिम्मत घटना के बाद से लगातार ट्रेन और बस से भ्रमण कर रहा है। पुलिस की नजर आसपास के जिलों के सभी धार्मिक स्थल, धर्मशाला, होटल और लॉज पे बनी हुई थी। तभी 30 जनवरी को साइबर टीम को जानकारी मिली कि आरोपी पिछले 2-3 दिनों से जिला प्रतापगढ़ में एक धार्मिक स्थल की धर्मशाला में रुका है। उसको तलाश करते पुलिस ने देर रात हिम्मत को राजस्थान जिला प्रतापगढ़ की धर्मशाला से पकड़ा। पुलिस गुरुवार सुबह आरोपी को लेकर रतलाम पहुंची। मेड़ थाना बिलपा के अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसका हम लोगों ने 3 रोज पूर्व खुलासा किया था। इसमें मृतक जो है वो मदन मालवी है, न कि हिम्मत पाटीदार है। उसी तारतम्य में पुलिस सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हिम्मत पाटीदार को जिंदा पकड़ा जाए। उसमें पुलिस कई टीमें पुलिस की महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसमें हम लोग का फोकस मेनली धार्मिक स्थल, जो धर्मशाला, होटल, लॉज, ये सब चीज़ें थी। इसमें पुलिस को जो भागने के रूट हैं, इसमें पुलिस लगातार रेलवे स्टेशन इंदौर, उज्जैन, रतलाम आदि के सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रहे थे। हम लोग इस बात का तथ्य आया था कि ये यहाँ से ट्रेन के थ्रू फिर बस के थ्रू भागा है। पुलिस के अनुसार आरोपी हिम्मत ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उन पर 26 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। तब उसने स्वयं का 20 लाख रुपए का सुनियोजित तरीके से एक माह पूर्व अपना बीमा कराया था। उसके बाद टीवी और फिल्मों को देखकर किसी अन्य को अपने स्थान पर मारकर खुद की हत्या की साजिश रची। ये सब इसके लिए किया गया जिससे 26 लाख रुपए का कर्जा वापस न देना पड़े तथा परिजनों को 20 लाख की बीमा राशि भी मिल जाए। इसमें अभी तक इसके ऊपर लगभग 26 लाख रुपए का कर्ज है और 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस अभी एक माह पूर्व ही इसने कराया था। साजिश के तहत गांव के ही कालू उर्फ राम गोपाल को निशाना बनाया गया। कालू को घटना के 3 दिन पहले बालों की हेयर स्टाइल को अपनी हेयर स्टाइल जैसा बनाने के लिए कटिंग की दुकान पर ले गया। घटना के पहले ही अपने खेत पर बने टपरे में तलवार छिपा ली थी। 22-23 जनवरी की दरमियानी रात को सोची समझी साजिश के तहत
पहले कालू को अपने खेत पर बुलाने के लिए फोन लगाया तो कालू ने मना कर दिया। फिर दोबारा फोन करने पर भी कालू ने आने से इनकार किया। इसके बाद आरोपी हिम्मत कालू के खेत पर मोटरसाइकिल से गया, जहां वह मजदूरी करता है। परंतु कालू खेत पर भी नहीं मिलने पर पास के ही खेत में काम करने वाले मदन को, जो पूर्व में उसके खेत पर मजदूरी करता था, अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने खेत पर ले आया। इसने ये तथ्य जरूर बताया है कि पहले एक्चुअली इसका प्लान ही एक कालू मालवी नामक व्यक्ति है, उसको मारने का था। लेकिन घटना दिनांक को फोन पर बात होने के बाद भी, और ये खेत पर गया तब भी वो कालू मालवी आने को तैयार नहीं हुआ और खेत पर मिला नहीं। उसके बाद इसने अपने जो पहले इसके यहाँ मजदूरी करता था मदन मालवी, उसको अपनी बाइक पर बैठा के ले गया और उसको ठंडी का हवाला देते हुए कि ठंड बहुत ज़्यादा है, अपने कपड़े उसको पहनाए और उस पर बाद फिर वहाँ गला घोट के इसकी इसको मूर्छित किया और तलवार से इसका गला काट के इसकी हत्या की। आरोपी हिम्मत ने ठंड अधिक होने का झांसा देकर मदन को अपने कपड़े पहना दिए। उसके बाद दोनों ने बैठकर बीड़ी पी। बीड़ी खत्म होते ही हिम्मत ने पीछे से हमला कर जान से मारने की नीयत से मदन का गला दबा दिया। अर्धमूर्छित होने पर खेत पर छिपा कर रखी तलवार से गले पर वार किया। उसके बाद भी मदन के शरीर में हरकत होने पर उसने चेहरे पर खेत की सूखी घास डालकर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा जला दिया, जिससे यह लगे कि हिम्मत मर चुका है। पहचान न हो सके इसलिए पास में पड़े घास, जो सूखा घास खेत में पड़ा था, उससे इसके चेहरे को जला दिया और फिर वहाँ से ये भगा। इसने घटना के एक दिन पहले ही 50,000 रुपये उधार लेके आया था एक सेठ से, जो कि काट पछलाना का है। और उसके बाद इसने बड़े ही प्लानिंग के साथ निकला था, क्योंकि इसने दो जोड़ी कपड़े भी रखे थे, जूते भी दूसरे रखे थे, और वहाँ से फिर ये ट्रेन और बस के माध्यम से आते वाते वहाँ पहुँचा था। घटना के बाद जगह जगह भटकता रहा आरोपी। घटना करने के बाद मदन के कपड़े घटनास्थल से दूर जाकर सड़क पर इधर उधर रास्ते में फेंक दिए और तलवार झाड़ियों में छिपा दी। उसके बाद वह पैदल भाट पछलाना चला गया। वहां से बस में बैठकर रुनीजा गया, जहां से वह रेलवे स्टेशन से जनरल टिकट लेकर इंदौर की ट्रेन में बैठ गया। इंदौर रेलवे स्टेशन से जावरा पहुंच गया। जावरा से बस द्वारा प्रतापगढ़ राजस्थान एक मंदिर पहुंचा, जहां वो हर साल जाता था। 23 जनवरी से दो दिन भटकने के बाद वहीं धर्मशाला में एक कमरा अपने खुद के नाम से लिया। पुलिस को सूचना मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी 2 रोज पूर्व 29 तारीख को ही इसने एक मोबाइल फोन भी लिया है, उसकी भी हम लोग पड़ताल करेंगे। और ये जहाँ धर्मशाला में मिला है वहाँ पर इसने अपने आधार वैलिड आधार के बेसिस पर ये लिया है। इसके पास 2 आधार कार्ड था, एक तो घटनास्थल में मिला था, दूसरा इसके पास से आज जब्त हुआ है। तब इसमें पुलिस विस्तृत पूछताछ करेगी, जो हथियार यूज किया था, जो कपड़े उस दिन पहने थे, आदि चीज़ें पुलिस रिमांड लेकर अब जब्त करेगी। नहीं, अभी तक तो कि जो विवेचना में तथ्य है, इसमें कोई अन्य आरोपी नहीं है। लेकिन इसमें कल देर रात पुलिस को सफलता मिली, जब राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में के अरनोद तहसील में होरी हनुमान मंदिर, जहां पर ये प्रतिवर्ष जाया करता था, इस बार की खबर थी। पुलिस टीम वहां पहुंची, जब तो वहां की धर्मशाला में इसको पुलिस ने पकड़ा है और उसको रतलाम लेके पहुंचे हम लोग। अब इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें ये तथ्य जरूर सामने आया है कि इसने फिल्मों और टीवी सीरियल्स के माध्यम से ये चीज़ सीखा था कि अगर इंश्योरेंस की राशि का लाभ लेना हो और कर से बचना हो तो इस तरह के अंजाम को, वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। आरोपी के पास 2 आधार कार्ड थे, एक घटना स्थल से पुलिस ने जब्त किया और दूसरा उसके साथ जब्त हुआ। अभी तक की पूछताछ में आरोपी द्वारा अकेले घटना को अंजाम देना कबूल किया है। इस हत्याकांड पर प्रदेश की सियासत भी खूब गरमाई। ऐसे में पुलिस कप्तान गौरव तिवारी की इन्वेस्टिगेशन, सूझबूझ और टीम मैनेजमेंट की बदौलत फिल्म और सीरियल देखकर किए गए हत्याकांड का खुलासा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, रतलाम।